नमस्ते, मैं हूँ सीमा, रेकी ग्रैंड मास्टर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, ईएफटी प्रैक्टिशनर एंड एनएलपी ट्रेनर। आपके भी रेकी को लेके बहुत सारे सवाल होंगे, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सवालों की जिनको लेके आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। अगर आप नई रेकी सीखते हैं या सीखना चाहते हैं, तो उन सभी जिज्ञासाओं की जो आपकी पूर्ति है वो इसी वीडियो में होने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम इंटरनेट पर रेकी सीख सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आप सीख सकते हैं। जब हम घर पे बैठ के दूर रेकी दे सकते हैं, हील कर सकते हैं, तो शक्तिपात इंटरनेट पे यानी वीडियो कॉलिंग पे हो सकता है, और मैं करती हूँ रोज़ ये। करीब करीब 2 या 3 से क्लाइंट्स में लेती हूँ जिनको मैं शक्तिपात, डिस्टेंट हीलिंग, सब कुछ मैं करती हूँ। नंबर 2, क्या जब हम शक्तिपात करते हैं उस समय ज़मीन पे पैर रखना ज़रूरी है? इसका जवाब है, जब हम शक्तिपात करते हैं तो हमारी अर्थ एनर्जी से कनेक्शन होना ज़रूरी है। उस समय हम चप्पल खोल के सीधी कुर्सी पे बैठेंगे और ज़मीन पे पैर को टच करेंगे। लेकिन उसके बाद अगर आपका सवाल है कि क्या हमें रेकी हीलिंग करते वक्त ज़मीन पे पैर रख के बैठना है, तो बिल्कुल नहीं। आप आराम से किसी भी अवस्था में बैठ सकते हैं और अपनी हीलिंग कर सकते हैं। ज़मीन को टच करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आप ना करें तो अच्छा है, क्योंकि हम चाहते नहीं हमारी ऊर्जा सारी पृथ्वी ले लें। ठीक, अब उसके बाद आता है कि ये जो सिंबल्स हैं, जब हम सिंबल बनाते हैं जैसे चौकोरे चौकोरे चौकोरे, तो चौकोरे बनाने के लिए क्या हमें रेकी को आवाहन करना पड़ेगा हर बार जब हम चौकोरे बनाते हैं या कोई भी सिंबल बनाते हैं? तो ऐसा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रेकी चैनल हैं वो एक बार तो सुबह उठ के रेकी का आवाहन करते हैं या सेल्फ हीलिंग करते हैं, किसी और की हीलिंग करते हैं, तो रेकी हमारे आसपास रहती है, वो सिंबल भी हमसे कनेक्टेड रहता है। हाँ, अगर बहुत समय हो गया आपने रेकी छोड़ दी और अब शुरू कर रहे हैं, तो आप अवश्य बनाएं, वरना बार बार आपको रेकी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। रेकी कॉल हम उस वक्त करते हैं जब हम किसी की हीलिंग कर रहे होते हैं या अपनी हीलिंग कर रहे होते हैं, किसी की हीलिंग कर रहे होते हैं, उस समय हम रेकी को धन्यवाद भी देते हैं, उसको बुलाते भी हैं, और जिसकी हीलिंग कर रहे हैं उसका धन्यवाद भी देते हैं, और उसके बाद हम उससे कनेक्शन काट देते हैं। अब कनेक्शन कैसे काटते हैं? या तो आप बोलते हैं थैंक यू रेकी, थैंक यू रेकी, थैंक यू रेकी, या थैंक यू रेकी, थैंक यू रेकी, थैंक यू रेकी, या अपने नाभि से जो उससे कनेक्शन है वो कट कट कट। वैसे भी अगर हमारा थॉट वहाँ से हट गया तो हमारी ऊर्जा वहाँ बहेगी भी नहीं। अब ये कहते हैं कि अगर हमने रेकी हीलिंग शुरू करी है, सवाल ये है कि अगर हमने रेकी हीलिंग शुरू कर दी है सीखते वक्त 24 पॉइंट्स की 21 दिन तक, और बीच में कोई काम आ गया, टूट गया, तो क्या करना चाहिए? आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 10-12 पॉइंट की या 7 चक्रास की बीच में एक दिन हीलिंग कर ही डालें, तोड़े नहीं। अगर टूट जाएगी तो मेरा ये मानना है कि आपको दोबारा 21 दिन की साधना करनी चाहिए। अब आप देखिए, डॉक्टर मिकाओ उसुई ने 21 दिन की साधना पहाड़ पे जाके करी, अन्न जल सबका त्याग करके। क्या हम अपने लिए जो हम सीख रहे हैं खुद के लिए इतनी सी साधना नहीं कर सकते, यानी हम अपनी हीलिंग कंटिन्यूसली नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ हमारी चाह होती है वहाँ रास्ता भी निकल जाता है, और कभी किसी वजह से नहीं कर पाए तो आप अपने चलते फिरते अपने रेकी चक्रों पे हाथ रखिए और एनर्जी दीजिए, पर तोड़िए नहीं। अगर टूट जाती है तो दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। अब ये कहते हैं कि क्या हम सिंबल बना सकते हैं बिना रेकी सीखे? बिल्कुल नहीं। जब तक हमारा शक्तिपात नहीं होता हम वो सिंबल्स को नहीं बना सकते, वो वर्जित हैं और उसकी ऊर्जा भी हमें काम नहीं करेगी, और यूनिवर्स बैठी है ये चीज़ें समझने के लिए, देखने के लिए। तो जब तक आप रेकी चैनल नहीं बन जाते हैं, बिल्कुल भी ना कीजिए ऐसा कि आप बैठ के मतलब जब तक आप अटूनमेंट नहीं हो आप सिंबल ना दें और बनाएं, ये गलत है। पहले तो ये गोपनीय रखे जाते थे, पर आज इंटरनेट के ज़माने में सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पर शक्तिपात होना ज़रूरी है। अब सवाल ये आता है कि क्या हमें एनर्जी एक्सचेंज करनी चाहिए? शुरू शुरू में हमें बहुत सारे मनी ब्लॉकेजेस होते हैं, हम मांग नहीं पाते हैं, पर रेकी का प्रिंसिपल यही है कि आप किसी से कुछ ना कुछ लें, जब तक वो कुछ खाली नहीं करेगा, इसको ग्रहण भी नहीं करेगा। अगर वो दे नहीं सकता है तो आप कुछ काम करवा लीजिए, दे सकता है और आप नहीं मांग सकते तो फिर आप दूसरे रूप में भी आप दे दीजिए, ये डोनेट करना पड़ेगा, पर उससे खाली करवाइए। अगर वो आपके पास कुछ आ रहा है और आप अपने समय और ऊर्जा लगा रहे हैं, तो आपको अवश्य एनर्जी को एक्सचेंज करना चाहिए। एनर्जी एक्सचेंज करने से
ऊर्जा का बैलेंस रहता है, हमारा आदान प्रदान बराबर रहता है, और कुछ समय के बाद ना हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है ना उसकी एक्सपेक्टेशन हमसे बढ़ती है। अब एक सवाल और आता है कि क्या हमें जब हम रेकी करते हैं उसके बाद हमें हाथ क्यों धोना चाहिए? रेकी करने के बाद हमें हाथ धोना चाहिए, अपने ऑरा को भी क्लीन करना चाहिए। हमें भले ही आंखों से कुछ नहीं दिख रहा हो लेकिन हम एक नेगेटिविटी को ठीक कर रहे हैं, तो हाथ धोना अवश्य है, आवश्यक तरीके से हमें इसको धोना चाहिए, और हफ्ते में एक बार नमक के पानी से नहाना भी चाहिए। अब ये सवाल आता है कि मेरी रेकी वर्क नहीं कर रही तो मैं क्या करूं? अगर आपको लगता है आपकी रेकी काम नहीं कर रही तो थोड़ी सी अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने चक्रों के साथ चक्रों की हीलिंग करना शुरू करिए, थोड़ा अपनी चेतना को जागृत करिए। हो सकता है आपने खुद ही ने इतने ब्लॉकेजेस बना रखे, हो सकता है आप बहुत परेशान हो, तो आपकी उस पावरफुल फोकस तरीके से ऊर्जा वहाँ नहीं जाएगी क्योंकि आप ही उसको कंज्यूम कर रहे हैं अपनी एनर्जी को। तो पहले आपको अपने आप को चार्ज करने की ज़रूरत है, यानी हमें अपने पॉइंट्स की सातों चक्र की 3-3 मिनट की हीलिंग करने की ज़रूरत है। अब क्या रेकी हम दूर भेज सकते हैं यहाँ बैठ के? सेकंड डिग्री हम बिल्कुल सीखते हैं कि हम यहाँ से कहीं भी किसी भी कोने में दुनिया के रेकी भेज सकते हैं, लेकिन प्रथम डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम डिग्री को आप जितनी शिद्दत से, जितनी ईमानदारी से 21 डेज करेंगे उतना ही आप अपने आप को चार्ज करेंगे, पावरफुल करेंगे। जैसे मोबाइल को रोज चार्ज करते हैं, आप एक आदत बना दीजिए, चलते फिरते रेकी को कॉल करिए और अपने हाथ कहीं ना कहीं रखते रहिए ताकि आपके अंदर वो एनर्जी का फ्लो रहे, आपका ऑरा स्ट्रांग रहे और आप जहाँ जाते हैं अपनी छाप छोड़ सकें और लोग आपको की तरफ मोहित हो। मोहित हो यानी आपकी पर्सनैलिटी में वो जादू आ जाए कि लोग अपने आप खींचते चले आए। करके देखिए इन सवालों में, अगर आपके सवालों का जवाब अभी नहीं मिला है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर एक वीडियो लेके आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। आप लिखिए और मेरे से अपने समस्याओं का समाधान कीजिए। अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं, रेकी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस नंबर पे 9820127053 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी जाके मेरी रील्स को फॉलो कर सकते हैं। आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, आपकी लाइफ बेटर से बेस्ट हो जाएगी। करके देखिए। थैंक यू।